दिन की क्या घटनाक्रम दिन में हुआ उसको देखते रहे कि ये हो क्या रहा है। कभी पोर्टर खोलने की बात करते हैं, कभी जेसीबी बड़ी बड़ी मशीनें लगा के दिखाने की कोशिश करते हैं, कभी ये एलिगेशन लगाते हैं, आज इन्होंने के वहां का बॉर्डर खोल दिया। कुछ मीडिया के लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाते रहेंगे कि बॉर्डर खोलने जा रहे, ये करा जा रहा। हमने ये कहा कि संयुक्त मोर्चे को हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ के बॉर्डर खोले गए, और संयुक्त मोर्चा तय करेगा। बॉर्डर खुलेगा तो सबसे पहले जाने वाले लोग तो दिल्ली में किसान हैं, जिनकी फसलें नहीं कहीं बिखरी, जो अपनी फसलें एमएसपी से कम पे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा अपनी फसलें मंडी के बाहर कहीं पे भी, वहां पे उसकी कुटाई की मशीन लेकर जाएंगे, वहीं कूट के दिल्ली के लोगों को तो बिल्कुल ताजा धान मिलना चाहिए। आटा चक्की जाएगी, ट्रैक्टर के पीछे लग जाती है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आजकल, तो वहीं आटा बिल्कुल ताजा पीस कर जाएगा। उन लोगों को भी मॉल के बाहर बिकेगा, जो बड़े बड़े मॉल है जहां पे बाजरे का आटा चाकी लगा के, बाजरे का आटा, मक्की का आटा, गेहूं का आटा, उसी मोल के बाहर चाकी लगाकर वहीं ट्रैक्टरों में सामान जाके और वहां बेचेंगे ना। कहीं पे भी बेच लो, तो खुल गया बाजार देश का। अरे क्यों देश की जनता का बेवकूफ बना रहे? मतलब बातचीत नहीं करेंगे, लोगों पे एलिगेशन लगा के किसानों को यहां से चले जाएं छोड़ के, और तुम इस देश के किसानों की फसलों को लूटने का काम करो। वो टाइम आ गया, अब 11 महीने हो गए, आज भी हमने नहीं कहा कि आज किसान वहां पर जाए। हम आज सुबह से बोल रहे, इन्हीं को देख रहे, दो एक कर क्या रहे। अपनी बॉर्डर पे भाई निगाह रखो, ज्यादा आने की अभी जरूरत नहीं। जब आएंगे, संयुक्त मोर्चा अगर कहेगा हम ट्रैक्टरों के साथ में आएंगे, अपनी फसलें लेकर आएंगे और दिल्ली में बेचेगा। हम तो संयुक्त मोर्चे से ये कह रहे हैं कि वे कर लो फैसला, लेकिन जो भी संयुक्त मोर्चे का फैसला होगा हम उसको मान लेंगे। और हम आज ना वहां पे प्रदेश अध्यक्ष है, ना वहां पर आज हम रहेंगे, आज वहां पे बॉर्डर पर रहेगी जनता। अब देखेंगे आपको कौन छुटाएगा वहां पे। पहले बहुत करते थे कि जी हमें, हम आज है ही नहीं भाई, आज पूरा दिन नहीं रहे, आज रात को नहीं रहने के, कल दिन में नहीं रहेंगे, ये जनता रहेगी वहां पे। जो कहते थे ना जी है नहीं कोई, खाली हो गए जी, कोई खाली नहीं रहा, तुम छेड़ा खानी करोगे, तो ये जनता गांव की तैयार बैठी है। अरे अपना संभालो भाई बॉर्डर को, इनको आने के हमें भी बहुत काम है पूरे देश भर में। ये छेड़खानी करते हैं, दिल्ली सरकार भी करती है, भारत सरकार भी, और ये उत्तर प्रदेश सरकार भी करे, दोनों छेड़खानी करें, अपने बॉर्डर को संभालो, वहां पे आते जाते रहो, अपना घर खेत का काम भी करते रहो, और जो मोर्चे हैं उस पर भी अपना ध्यान रखो। संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला देगा हम उसके साथ में खड़े हुए हैं। अलीशा बेगम एक औरत दा दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नु कोई कट नहीं सकदा। काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं। परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत ज नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है ज नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे ज लोटोमैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, जा कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तो हड्डी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम।
वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान एक ही बार गोल्ड मेडलिस्ट सारिया थामा तो निराश होते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो जिवे चाहोगे ओवे होएगा इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट ओपन चैलेंज इल्मा दे माहिर ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल वशीकरण ते मुठकरनी लव मैरिज सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा पक्का काम पक्का हल 101% गारंटी अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी झगड़ा पति पत्नी चनबन जा दुटोना मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तोड़वाओ रुसे नु मनाओ हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98199 37467।